छोरे को वैसी छोरी के पल्ले बांध दियो कि जिसका संस्कार से दूर दूर तक नाता ना है। अब अपनी इस भूल को तो सुधारना ही पड़ेगा। आज से आप लोगों के साथ, आपकी छोरी के साथ, हारो तुम्हारे पोते को, तुम्हारे परिवार को कोई रिश्ता ना है। बिना सोचे समझे, ना समझी में जो संबंध जोड़ा गया, आज तोड़ दूं उसे। बहुत शान बढ़ाई हमने आपसे रिश्ता जोड़ के, अब हमें माफ कीजिए। भासा आप इतनी बड़ी बात माखन, अरे ओ माखन सिंह जी, जी हुकुम। याद रहे आगे से ये दोनों हमारे घर की ड्योड़ी पार भी ना कर पावे। समझ गए हो? माजी साहब हमारी बात सुनो। माजी साहब हमारी चोरी से तो भूल हो ही गई, हमारे से भी आपसे जबान लड़ाने का पाप हो गया। हमारे को माफ कर दो माजी साहब, हमारे को माफ कर दो। इतनी बड़ी बात ना बोलो, हमारी चोरी को घर से निकालने की बात ना बोलो अपनी जुबान से। हमारे को माफ कर दो माजी साहब, माफ कर दो हमारे को माजी साहब, माफ कर दो। मारो पैर पड़ के कुछ ना होवे को, मैंने अपना फैसला सुना दियो माजी साहब। कोई कितने भी आंसुड़े बहा ले, मैं ना पिघलने वाली। आप बात करो ना माजी साहब से, आप तुम्हारी लाड़ो को अपने चोरी मारो ना, फिर उनसे बात करो ना समदर साहब, समदर साहब कुछ बात करो ना माजी साहब से, समझाओ ना माजी साहब को, रोको ना उनको समदर साहब, समदर साहब रोको ना माजी साहब को, समदर साहब रोको ना, कोई तो मदद करो इस मांग की, रोको ना माजी साहब को, समझाओ ना उन्हें, कोई समझाओ ना। सासरे वालों ने संबंध तोड़ दिया हमारी लाड़ो से तो उसका जीवन नरक बन जाएगा। माजी साहब को हमारे साथ, आनंद के बापू के साथ कोई रिश्ता ना रखना, ना रखे हम आपके द्वार पर कभी ना आवेंगे, जे समझेगा कि हमारी कोई चोरी ना है। लेकिन हमारी लाड़ो को ना टुकराओ ना, हमारी लाड़ो का क्या होगा उसका, क्या करेगी वो? मैं जानू, मैंने कवर था कर नाम लिया, इसीलिए माजी साहब और गुस्सा हो गई है। ऐसी भूल कभी ना होगी, भूल से भी उनका नाम अपनी जुबान में ना लाऊंगी मैं। सच्ची सच्ची माफ कर दो, हमारी लाड़ो को अपने घर में रख दो ना, रख दो हमारी लाड़ो को अपने घर में, ना निकलो उनसे। आपने कुछ गलत नहीं कहा, मैं आनंदी को नागो लेके गया था, पर दाई सा सुनती नहीं है, मुझे कुछ भी लेके आ, लेकिन आनंदी को इस घर से बाहर निकाल दिया। समझी साहब, बड़ी आशा के साथ आए थे आपके पास, अगर आप ही निराश कर दोगे तो कटे जाएंगे। इस बार आखिरी बार मारी छोरी की फूल माफ करवा दो, हाथ जोड़। देखिए देखिए, मैं खुद नहीं जानता कि मासा इतनी नाराज क्यों है,
उनका गुस्सा ठंडा हो जाने दीजिए, मैं उनसे बात करूंगा। इस वक्त तो बस मैं आपसे यही कह सकता हूं कि धीरज रखिए आप लोग। मुझे पूरा विश्वास है, एक बार भाई साहब वापस आ जाएंगे, वो मासा को मना लेंगे और आनंदी को घर वापस ले आएंगे। अब हम सिर्फ राह ही देख सकते। मैं आपकी तकलीफ समझता हूं, विश्वास कीजिए मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं मजबूर हूं। हमारे आगे हाथ जोड़ के और शर्मिंदा ना करो संधि सर, तो बस आप लोगों के विश्वास का ही आसरा। चल भागो। आनंदी के बापू गाली आज ना जाओ, मैं अड्डे से माजी से बात करनी है, समझी से बात करो ना। भागो चल। समझ जा, हमारी बात सुनो ना आनंदी के बापू, हमारी बात सुनो। भागो चल भागो। चल माजी से बात करनी आनंदी के बापू का। चल भागो। आनंदी को बोलना कि वो रोए नहीं, बापू के कलकत्ते से आते ही मैं उसे जरूर वापस लेने आऊंगा। आप लोग उसे बोल देना वरना बहुत रोएगी। बुराना मानो तो एक बात कहूं, आनंदी को थोड़े दिनों के लिए हमारे पास ही छोड़ जाओ। शादी के लिए तो आ रहे हैं हम लोग, साथ में ले आएंगे। अरे माँ, मैं ऐसे कैसे रुक जाऊं? मैं घर की बहू हूँ, दादी सा ने कहा है बहुत सारे मोटे मोटे काम मुझे संभालने हैं। मैं यहाँ रुक गई तो ब्याह अटक जाएगा। ने मुझे भेज दिया, कहा चली जाओ अपने घर। बिना सोचे समझे ना समझी में जो संबंध जोड़ा गया, आज तोड़ दूं उसे। जानू भागो थारे दिल पे के बीतरी। ना रो, अरे ना रो भागो, थारे आंसू छोरे ने देख लिए ना तो वो तो टूट जावेगी। चुप हो जा। कैसे ना रो आनंदी के बाबू, ये हो गया हमारी लाड़ों के साथ। मारा फूटा भाग मारी लाड़ों का नसीब भी ना फूक दे। ना भागो, ऐसा ना बोल, तू क्या कर रही है? उन लोगों ने कहा ना वो आनंदी को लेने आएंगे। शांत हो जा, हिम्मत रख, सब ठीक हो जाएगा। जी जी संभालिए अपने आप को, ऐसे तो आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। थोड़ी देर लेट चाहिए। कैसे कहना, मेरी बच्ची के साथ इतना कुछ हो गया और मैं कुछ ना कर सकी। वो बच्ची है, नादान है वो,
था कि उससे गलती हुई है, पर उसकी इतनी बड़ी सजा क्या गुजर रही होगी उसके माँ बापू पर। मैंने सपना का दर्द सहा है, आज आनंदी के माँ बापू भी तो अपनी बेटी की पीड़ा में जल रहे होंगे ना। क्या क्या कहा था हमने उनसे, और समय आने पर रक्षा भी ना कर पाए उनकी बच्ची की, हम उनके अपराधी हो गए गहना जीवन भर के लिए। जी जी, इस तरह से निराश मत होइए, मुझे पूरा यकीन है कि कोई ना कोई रास्ता जरूर निकल आएगा। अब आप थोड़ी देर के लिए आराम कर लीजिए। जी जी, लेट जाइए। दादी साहब, मैंने आपको कहा था ना कि मैं आनंदी को नागौर लेके गया था, फिर आपने उसे सजा क्यों दी? हे छोरा, ये आंख दिखा के बोलना बंद कर। हाँ दादी हूँ थारी, जे मत भूलियो। ज्यादा हमारे सर पे चढ़ने की कोशिश की तो सारो लाड कोड बंद कर दूंगी। हाँ ये अच्छा है, पहले पूरे घर की बकवास सुनो और अब थारी भी सुनो। खबरदार, जो हमारे सामने आवाज ऊंची की तूने, चल अब जा, जा से जा रहा हूं मैं यहाँ से। मुझे नहीं रहना इस घर में जहां पर बिना मतलब की सजा दी जाती है। जा रहा हूं मैं ये घर छोड़ के। अरे अरे छोरा, अरे जगदीश, अरे रुक तो सही। ओ छोरा, अरे रुक तो सही। क्या कहां जा रहा है इतनी रात को? जा रहा हूं मैं घर छोड़ के। अरे ओ छोरा, अरे बसंत रोक इसे, ये तो घर छोड़ के जा रहा है। क्या क्या रुक तो, कहां जा रहा है? क्या रुक जा, कहां जा रहा है तू? क्या हो गया तेरे को? अगर आनंदी इस घर में जाएगी तो मैं भी रहूंगा, छोड़ दो मुझे, जाने दो मुझे। क्या ऐसा नहीं बोलते? और सुना, अगर कभी कोई समस्या हो भी जाए तो उसका हल ढूंढा जाता है, ऐसे घर छोड़ के कौन जाता है? बस बस, ज्यादा मनाने की जरूरत ना है बेकार की बात के लिए। तू छोरे बंद कर जे तमाशो, और अपनी माँ से भी कह दे रोने धोने का कोई असर ना होने वाला हमारे पे। ओ छोरी, पाँव भी ना धरेगी अब इस घर में। आप बहुत बुरे राइसा, मैं उसे कभी बात नहीं करूंगा। अब मैं राइसा ना, अब मैं कभी लाड मत करूंगा। श्याम, अंदर लेके जाए इसे। चल अंदर जा। चल रखे रखे, ऐसे नहीं रोते, चल। आप जानबूझ के आनंदी को रुला दिया ना, आपने बेमतलब की उसे सजा दी। मैं बहुत बुरी है दादी साहब, मैं आपसे कभी बात नहीं करूंगा। जग गया, ऐसे नहीं रोते हैं। जग गया, जो भी हो वो हमारी जग्या की बिंदरी है मासा, जग्या की खातिर उसे वापस ले आइए। देखिए ना कितना दिल दुख रहा है उसका, एक बार ऐसा एक बार सोचकर देखिए। बस बसंत, अब और बात ना कर इस बारे में हमारे से, मैं ना समझा पाऊं कि उस छोरी की करतूत ने क्या संताप दियो है मने। एक बार समझाने की कोशिश तो करके देखिए मासा, शायद हम आपका दुख बांट सकें, शायद कम हो सके आपके मन का बोझ। ऐसो कर, इस मामले को अपने दिमाग से मिटा दे, बार बार थारे को याद ना दिलाना पड़े कि अपनी सौगंध खिलाई थी तने।
आनंदी का के होगा ये तो भगवान ही जाने। कितना अच्छा सासरा मिला था। मारे को तो लागे है कि आनंदी को किसी की बुरी नजर लग गई। अब तो बस माता रानी से यही विनती करूं कि भाई जी और भाभी सा आनंदी के सासरे वालों को मना ले, नहीं तो सासरे से छोड़ी हुई छोरियों की के दुर्गत होवे है। इसका दुख मारे सिवा और कौन जाने। अपनी छोटी बहन रानी का ब्याह कितनी धूमधाम से किया था मैंने, अपनी सारी पूंजी लुटा दी थी, पर एक बार सासरे से वापस भिजवा दी गई तो जैसे शाप लग गया था उसको कभी ना भूल पाऊंगा कि कैसे मेरी बहन ने अपनी बाकी की जिंदगी कैसा संताप उठाते हुए काटी थी, कैसे सहे थे लोगों के ताने। एक तो अपनी घर गृहस्थी के उजड़ने का दुख और ऊपर से लोगों के ताने ऐसी छोरियों को जीने ना दे, और फिर ऐसे में ये छोरियां अपने घर वालों के ऊपर बोझ हो जावे हैं और फिर परेशान होके घर वालों के मुंह से भी जली कटी निकल जावे। तू क्या कर रही यहाँ पे? वो आनंदी ने जबरदस्ती की इसलिए। बावरी हो गई है क्या? आनंदी तो अभी छोरी है, तू तो दस हाथ की होगी, थारे अकल नहीं है? अपनी फूटी किस्मत की छाया उस बच्ची पे डालेगी, शगुन के घर में आप शगुन करेगी? चल यहाँ से। खानदान के नाम पे कलंक लगाने चली थी? बहुत बहुत हिम्मत आ गई थारे अंदर कि लाली टिकली बिंदी ये बड़ा शौक सवार हो रहा थारे को। मारे नाम पे। अरे सुनो, अरे कृष्णा, अरे कृष्णा क्या हुआ, अरे क्यों मार रही तुम्हें? पूछो अपनी बहन से मारे नाम पे क्या काम काली होती थी। हाँ, जो इसी का टिप्पणी करके पूरे गांव वालों के सामने सब समड़ के घूमने निकली है। कृष्णा क्या बात हो गई, तुम क्यों मारी उसे? हम थारे से विनती कर रहे हैं कि तुम इसके ससुरे जाओ और सास ससुर से बोलो कि आकर के अपनी बहू को यहाँ से निकाल दे। वो बेचारी फंस के चली गई, गरम जली है। मंजी, ये सिर्फ गोविंद की नहीं पूरे गांव की इज्जत का सवाल है। इस तरह बदनाम करके रानी बच नहीं सकती। सरपंच जी, सरपंच जी, फिर रानी जी मिल गई है। थारी चिड़कली उड़ जाएला ए बाबुल, थारी चिड़कली अब जाएला। आप सब ने मजबूर किया रानी को अपनी जान देने के लिए, आप सब इसके हथियारे हैं। कम उम्र में ब्याह दिया था ना आप लोगों ने इसको, ना बचपन में इसकी शादी हुई होती, ना इसे कोई बीमारी होती, ना इससे इसके माँ बनने का हक छीना जाता, ना इसे ससुराल वाले ठुकराते, ना इसे आज अपनी जान गंवानी पड़ती। कच्ची उम्र में असुरक्षा का भय न केवल बच्चे के आत्मविश्वास को हिला देता है बल्कि बाल मन में अनेक कुंठाओं को जन्म दे सकता है, जिसका दुष्परिणाम उसे सारी उम्र झेलना पड़ सकता है।